हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ज़ुबैदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई मटर पनीर। इसके लिए हमने ये 400 ग्राम हमने पनीर ले लिया है और ये छोटे से क्यूब में कट करके रख लिया है इसको हमने। और ये मटर ले ली है, ये दही है एक कटोरी, और ये चार हमने प्याज ले लिए इसको कट करके रख लिया है, और ये मेथी है, और ये मलाई, ये लेमन है, हाफ हाफ लेमन जाएगा इसमें, और ये सारे गरम मसाले हैं हमने इसको पीस करके रख लिया है। इसमें काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, और काली इलायची है, जावित्री, जायफल, सभी स्पाइसेस इसमें हमने पीस करके रख लिया है। और ये हरी मिर्च हमने कट करके लिख लिया, ये चार पीस है, आप लोग जितना तीखा खाते हैं उतना लीजिए। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़े से काजू हमने ले लिए हैं, सॉल्ट जाएगा, और ये जीरा, और हमारे सारे मसाले और बे लीफ, और ये हमने एक टमाटर भी ले लिया है। सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने थोड़ा डाला है, अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम ये देखिए ऑयल हमारा हो गया है। इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, काजू डाल देंगे, चला देंगे अच्छे से। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे, और इसमें प्याज भी डाल देंगे, और लाइट ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। ये मसाले हमारे हो गए हैं, अब इनको हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद में ही इसको पीसना है। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं, जब तक हम पनीर में नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, वन टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डाल देंगे, और नींबू डाल देंगे। इसको मिक्स करके रख देंगे। अच्छे से कोट कर लेंगे इसको। खाने के टाइम सादा सा ना लगे, ये इसमें भी फ्लेवर आ जाए सब मसालों का, इसलिए हम पहले से सारे मसालों को, हल्दी, नमक और लेमन को डाल के कोट करके हमने रख दिया है। ये देखिए सारे मसालों को हमने पीस लिया है, और हमने कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है। अभी गर्म हो जाएगा तो इसमें बे लीफ डाल देंगे, तेज पत्ता, और ये सारे मसाले डाल देंगे। वन टीस्पून नमक डाल देंगे,
चला लेंगे इसको। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे सूखे पिसे हुए। टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और ये कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून डाल देंगे इसमें। चला लेंगे इसको और ये थोड़ा सा कलर देने के लिए कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। चला लेंगे और इसको लेड लगा के रख देंगे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसी में डाल देंगे। इसको डालना भूल गए थे, पहले ही डालना था हमको। चला देंगे, चला के इसको बंद करके रखेंगे। ये देखिए ये मसाले हमारे भून रहे हैं। अब इसमें हम जो मेथी हमने ली थी ना, इसको बीच में डाल देंगे। साथ में अच्छे से भून जाएगी ये भी। और ये दही है, इसको भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद में फिर से इसमें लिड लगा के रख देंगे। ये देखिए मसाले हमारे भुन रहे हैं। इसमें सारे स्पाइसेस जो हमने पीस के रखे थे, इसको भी डाल देंगे इसमें। और ये मटर, चला लेंगे और उसके बाद में लिड लगा के इसको रख देंगे। साथ में मटर भी गल जाएगी। ये देखिए मसाला भी हमारा भून गया है और ये मटर भी गल गई है। अब हम इसमें ये मैगी मसाला है, मसाला है मैजिक, इसको डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। किसी भी सब्जी में आप डालिए, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका। मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि अभी ये पकेगी। और इसमें ये जो हमने पनीर रखा था, इसको डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा चला देंगे इसको। अब लिड लगा के इसको रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब ये देखिए पनीर हमारा रेडी हो गया है। बिस्किट लिड हटा दिया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ये मलाई डाल देंगे। ये हमारी घर की मलाई है, थोड़ा सा
रिच फ्लेवर देने के लिए। अब इसको सर्व कर लेंगे। सर्व करके आपको दिखाते हैं। और ये देखिए इसमें आप ऊपर से मलाई से गार्निशिंग कर देंगे इसकी। और ये कोरिएंडर लीफ है से। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।